हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने ये भोपला बनाने वाली हूँ। भोपला मतलब कद्दू, जिसको हम कद्दू के नाम से भी जानते हैं, पर गोवा में इसे भोपला कहते हैं। तो मैं आज आपको कद्दू बना करके दिखाती हूँ, खट्टा मीठा तड़के वाला। तो उसके लिए मैंने लिया है, कद्दू काट लिया है मैंने छोटा छोटा। ये इसमें मैंने लिया है तड़के के लिए, ये चॉप गार्लिक है, और ये है चॉप जिंजर, ये है ग्रीन चिली, ये है हमारी तड़के के लिए लाल खड़ी मिर्च, और ये है अनियन कटा हुआ। और इसमें मैंने लिया है ये मीट मसाला, ये नमक, ये तड़के के लिए मैंने जीरा, मेथी दाना और ये सरसों दाना लिया है, और ये मैंने लिया है खटाई लास्ट में खट्टा करने के लिए। और इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर पीस के रखी हुई है, जो थोड़ा सा मीठा करने के लिए। ये हमें लास्ट में डालना होगा, ये है गरम मसाला और ये हल्दी, सॉरी हींग, और ये हमारे सारे मसाले हैं जो हम डालेंगे। सबसे पहले हमें लेना है मस्टर्ड ऑयल, इसको हमें डालना है। इसको अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ये गर्म हो जाएगा, हमें तड़के के सारे सामान इसमें डालने हैं। ये सरसों का तेल है, तो इसको थोड़ा सा, जब तक इसमें से धुआं नहीं उठने लगता है, तब तक हमें इसको गर्म करना होता है। फ्रेंड्स, हमारा तेल जो है ये गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले मैंने हींग डाल दिया। हींग डालने के बाद हमें ये सब जीरा, और मैंने थोड़ा सा करी पत्ता लिया है सूखा, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, और ये मेथी दाना, सरसों और ये जीरा जो है, मैं सब एक साथ डाल देती हूँ। ये सब डालने के बाद हमें डालनी है ये लाल मिर्च। इसको बस अब अच्छे से हिलाना है। ये प्याज को हमें थोड़ा सा गोल्डनिश कर लेना है। अब इसमें हम सबसे पहले हल्दी पाउडर डालते हैं थोड़ा, और ये 3 चम्मच करीब हम धनिया पाउडर डालते हैं, लाल मिर्ची 1 चम्मच डालते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आप तेज पसंद करते हैं तो आप तेज डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद अब हमें डालना है ये मसाला, मीट मसाला जो हमने लिया था, या फिर चिकन मसाला, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये डाल देना है।
सबको डालने के बाद, सबको डालने के बाद अब हमें सबसे पहले कद्दू को डालना है। ये सब डालने के बाद हमें थोड़ा पानी का छींटा देना है इसमें। इसको मिक्स कर देना है। और अब हमें नमक डाल देना है इसमें। नमक मैंने 1.5 स्पून लिया है। मैं थोड़ा सा पानी और डालेंगे। पर अब इसको पूरे कद्दू को हम ढक करके थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। आइए फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं हमारी सब्जी कितनी गल गई है। सब्जी अभी गल चुकी है। अब इसमें हमें ये खटाई डाल देनी है। और मैंने ये 2 चम्मच के करीब ही ये मीठा जो था शुगर पाउडर बना के रखा हुआ था, तो वो मैं सारा डाल देती हूँ। इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स, मेरे पास आज थोड़ा शॉर्टेज थी लेमन की, बट अगर आप इसमें लेमन भी ऐड कर देंगे सबसे लास्ट में तो बहुत अच्छा रहेगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने लेमन की जगह खटाई डाली है, बट थोड़ा थोड़ा दोनों चीज डालेंगे तो और अच्छा बनता है। तो अभी मैं इसको फिर से थोड़ा ढक देती हूँ। आइए फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं हमारा कद्दू एकदम तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, हमारा कद्दू एकदम पक चुका है अच्छे से, बन चुकी है सब्जी हमारी। हाँ, अच्छे से बन चुकी है, तो हमारा कद्दू अब रेडी है। ये हमारा